और देखिए, वही इस पूरे मामले को लेकर पहलवानों का भी बयान सामने आया है। पहलवानों को जंतर मंतर से उठाया गया। अभी हम जंतर मंतर नहीं जाएंगे, साक्षी मलिक का इस पूरे घटना के बाद यह बयान सामने आया है। इस घटना से हम बहुत परेशान हैं, हमने कभी नहीं सोचा था कि हमारे साथ ऐसा होगा। जंतर मंतर पर कल जो पूरी घटना हुई, वो रेसलर्स ने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि उनके साथ इस तरह से दुर्व्यवहार होगा। हमारे साथ साक्षी मलिक है। साक्षी, कल किस तरह का बर्ताव हुआ? कल बहुत बुरा बर्ताव हुआ हमारे साथ। जैसा कि हम पहले दिन से बोल रहे थे, हम बिल्कुल शांतिपूर्वक मार्च करेंगे, लेकिन उन्होंने सारे से बैरिगेटिंग कर दी। हमारा जो जंतर मंतर है, उसे 10 कदम आगे भी नहीं जाने दिया। बहुत बुरा व्यवहार हुआ और फिर डिटेन कर लिया हमें। और डिटेन करने के बाद मेरे पास मेरा फ़ोन था और मैं घर बात कर रही थी, क्योंकि जिस बस में मुझे डिटेन किया था, मैं अकेली थी उस बस में और कोई भी नहीं था। तो मैं घर बात कर रही थी, मैं उनको कंटिन्यूस बोल भी रही थी कि मुझे अकेले मत लेके जाओ, मेरे को किसी और बस में शिफ्ट कर दो जहाँ मैं किसी को जानती हूँ, कोई मेरी धरने पर जिसके साथ रहते हैं हम, विनेश हो, संगीता हो, और कितने सारे हैं, हमारा कोई भी रेसलिंग का हो, उसके साथ मुझे शिफ्ट कर दो, मुझे अकेले मत लेके जाओ। 2 घंटे की ड्राइव के बाद मैंने उतर के जैसे ही कॉल करना स्टार्ट किया कि मैं यहाँ हूँ, आप लोग यहाँ आ जाओ या कैसे भी करके मेरे को यहाँ से ले जाओ, पीछे से पुलिस वाली ने बहुत बुरी तरीके से मेरे से फ़ोन खींचा और मेरा फ़ोन भी उन्होंने ले लिया और उन्होंने हमें 6 बजे छोड़ा, फिर फ़ोन भी नहीं दिया। सुबह से 6 बजे तक बिठाए रखा आपको? हाँ जी। कहाँ पर ले गए थे आपको? ये मुझे लेके गए थे, ये वैली गार्ड है कोई, बुराड़ी वहाँ लेकर। हाँ जी। अच्छा, इस दौरान एक खबर भी आई थी कि ये फैलाया जा रहा था कि साक्षी मलिक ने पुलिस वालों को पीट दिया बुरी तरह? नहीं, वो सिर्फ इतना हुआ था, जैसे मैंने बताया ना, मैं बिल्कुल शांत थी, मैं बस में सिर्फ एक ही रिक्वेस्ट कर रही थी बार बार कि मुझे किसी के साथ बिठाओ, मैं अकेली हूँ, मुझे घबराहट हो रही है, 2 घंटे से आप लगातार बस चला रहे हो, मुझे अकेले नहीं रहना है, जब डिटेनिंग कर रहे हो तो साथ में कर लो, क्या प्रॉब्लम है। मैं फ़ोन करने लगी ना, उन्होंने मेरा फ़ोन इतनी बुरी तरीके से स्नैच किया, मैं जैसे उन्होंने अंदर डाल दिया मुझे जो भी वो गार्डन था, और मैं ऐसे ही कॉल करके ऐसे वॉक कर रही थी, परेशान में थी, फ़ोन किया ना मैंने ऐसे ही, मेरा एक्शन का रिएक्शन, मैंने फ़ोन खींचा ना तो वो पुलिस वाले लेके, वो जो लेडी कांस्टेबल थी जो भी थी, वो थोड़ा सा नीचे गिर गई। ना मेरी कोई हिंसा थी, ना मैंने किसी को मारा, ना कुछ था, सिर्फ उन्होंने मेरा फ़ोन खींचा तो मैंने अपना पुल बैक करने की कोशिश की, लेकिन उसके बाद उन्होंने 3-4 लोगों ने फिर वापस से मेरा फ़ोन जो है खींच लिया मिल के, फिर 6 बजे तक कोई फ़ोन नहीं था मेरे पास। तो जिस दौरान आप पुलिस के पास थी, तो उस दौरान क्या बदतमीजी वगैरह भी की गई थी आप, या आपसे कुछ कहा? कुछ नहीं, बदतमीजी नहीं हुई, लेकिन सिर्फ ये था कि फ़ोन छीना और बात नहीं सुन रहे थे। मैं बोल रही थी कि मुझे अकेले मत छोड़ो, मैं एक लड़की हूँ और मैंने ऐसी सिचुएशन कभी नहीं देखी है, मैं बहुत घबराई हुई हूँ, लेकिन उन्होंने बात नहीं सुनी। अब जंतर मंतर पर धारा 144 लगा दी गई है वहाँ पर, अब ये कहा जा रहा है कि बिल्कुल घुसने नहीं दिया जाएगा, तो अब आप क्या सोच रहे हैं? देखो, अभी के लिए तो हम नहीं जा रहे हैं जंतर मंतर, हम बहुत ज़्यादा परेशान हैं, हमारी कोई सुनवाई नहीं हो रही है। मैंने तो आज तक अपनी हिस्ट्री में ऐसे देखा नहीं कि इतने बड़े मेडलिस्ट, और मेडलिस्ट भी छोड़ो, बेटियाँ, नॉर्मल भी बेटियाँ होती, हम भी नहीं होते, फिर भी ये व्यवहार करना बिल्कुल भी नहीं बनता उनका। तो हम बहुत परेशान हैं, हमारी पूरी फैमिली बहुत परेशान है। तो अभी के लिए हमारा आगे तक का कोई प्लान अभी है नहीं, जो भी होगा फिर हम डिस्कस करेंगे या आपको इन्फॉर्म कर देंगे। जी बिल्कुल, देखिए, ये साक्षी मलिक थे जिन्होंने कहा कि इन्होंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि देश की बेटियों के साथ इस तरह का व्यवहार होगा, लेकिन फिलहाल इन्होंने ये साफ कर दिया कि वो अभी जंतर मंतर नहीं जाएंगे, फिलहाल वो परेशान हैं और अभी कुछ दिन बाद वो इसमें आगे की रणनीति बनाएंगे। एमएसएन साहिल के साथ विमल कौशिक, News24 दिल्ली। और चलिए मैं सीधा रुक कर रही हूँ जंतर मंतर का, जहां से मेरे सहयोगी विमल कौशिक मेरे साथ सीधा जुड़ रहे हैं। विमल, अब तस्वीरें दिखाइए, वो जंतर मंतर जहां तक पहलवान बैठा करते थे, वो जंतर मंतर जहां वो अब तक प्रैक्टिस करते हुए, कसरत करते हुए नजर आते थे, लेकिन अब बिल्कुल सुनसान है, धारा 144 वहां पर लगा दी गई है। जी बिल्कुल, देखिए, यहाँ से कुछ ही दूरी पर वो धरना स्थल है जहाँ पर तमाम खिलाड़ी जो हैं वो धरने पर बैठे हुए थे, लेकिन पुलिस ने साफ कर दिया है कि अंदर फिलहाल वो किसी को भी नहीं जाने दे रहे, मीडिया को भी अंदर एंट्री अलाउड नहीं। और देखिए, यहाँ पर प्रॉपर एक बैनर लगाया गया जिसमें साफ तौर पर लिखा हुआ चेतावनी कि यहाँ पर धारा 144 लगी हुई है और फिलहाल किसी भी तरीके की कोई भी प्रोटेस्ट की अनुमति, कोई प्रदर्शन यहाँ पर नहीं किया जा सकता, ये पुलिस की तरफ से साफ कर दिया गया। लेकिन साथ ही साथ पुलिस की तरफ से ये भी कहा गया है कि अगर खिलाड़ी किसी दूसरी जगह के लिए कोई आवेदन करते हैं या फिर वो कोई प्रोटेस्ट करना चाहते हैं तो उनको जंतर मंतर के अलावा किसी दूसरी जगह पर वैकल्पिक जगह दी जा सकती है, वो वहाँ पर बैठ सकते हैं। यानी कि पुलिस की तरफ से ये साफ किया गया है कि अगर खिलाड़ी दोबारा कहीं धरना करना चाहते हैं तो जंतर मंतर को छोड़कर
किसी और जगह के लिए वो आवेदन दे सकते हैं, वहां पर विचार किया जा सकता है। लेकिन दूसरी तरफ जो खिलाड़ियों की बात है, उन्होंने फिलहाल ये कहा है कि कल की घटना से वो परेशान हैं, काफ़ी ज़्यादा दिक्कत में, उनके परिवार के लोग डरे हुए हैं, क्योंकि जिस तरीके से उनके आरोप है कि पुलिस ने उनके साथ सलूक किया, उसको लेकर तमाम खिलाड़ी जो हैं वो सदमे में हैं। उन्होंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था, तमाम खिलाड़ी यही कह रहे हैं कि हमने देश के लिए इतना कुछ किया, उसके बावजूद हमारे साथ ऐसा सलूक किया गया। हालांकि पुलिस के अपने तर्क हैं, पुलिस का कहना है कि कई बार खिलाड़ियों से बात की गई थी, उनको लगातार ये इस बात के लिए समझाया जा रहा था, उनको लगातार ये हिदायत दी जा रही थी कि एक बड़ा समारोह चल रहा है तो उसमें किसी भी तरीके का खलल ना हो, तो लिहाजा ठीक है। दोनों ही पक्षों के अपने अपने तर्क है विमल, अब देखना होगा ये आंदोलन को लेकर क्या रणनीति पहलवान बनाते हैं, उनकी क्या आगे प्लानिंग रहती है, क्या वो कोई वैकल्पिक जगह के लिए आवेदन दिल्ली पुलिस के पास करते हैं या नहीं, ये सब आने वाले दिनों में साफ हो जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया आपका विमल इस तमाम जानकारी के लिए। एक छोटा सा ब्रेक यहाँ पर ले रहे हैं, खबरें लगातार जारी है। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।